की बधाई आपको। बल्लेबाज नाम शायद हिम्मत जी ठोकरला, क्या मैं सही हूँ? ओके बबर, गांव का नाम भी बताओ यार। कुलदीप जी बालेवा और दशरथ जी बालेवा, कपिल जी और दशरथ जी बालेवा। पावर प्ले इसमें नहीं होगा क्या? दे दिया बॉल। और जो पुरानी बॉल है कमिटी से निवेदन है कि वो जमा करवाएं यहाँ पर। हम सब कार्यकर्ता हैं। फील्डिंग टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर, सिरोही का एक एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए। बॉलर्स नेम दिलीप जी पुनावा, दिलीप पुनावा। ये मैच 5 ओवर का होगा, मुकाबला जारी रखे जल्दी। पहली गेंद अच्छी गेंद, ये दिन का 5वां मुकाबला। पहला मुकाबला था बाड़मेर और केसरिया के बीच में, जिसमें बाड़मेर ने शानदार जीत दर्ज हासिल की। दूसरा रॉयल 11 और तेजल फाइटर, जिसमें तेजल फाइटर्स जीते। अगली गेंद और फुलटस लेकर खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ आ रही है, फील्डर मौजूद। रविंद्र जी कोडू का मिसफील्ड हुई, राजू जी पहुंचे। तीसरा मुकाबला सिरोही और केसरिया के बीच में था, जिसमें सिरोही ने शानदार जीत दर्ज हासिल की। चौथा मुकाबला प्रिंस और तेजल के बीच में, जिसमें प्रिंस ब्रिगेड रोमांचक मैच को अपनी झोली में डाला, शानदार जीत हासिल की। और उठाकर खेला है, गेंद हमारी तरफ आ रही है, फील्डर मौजूद, और ये कैच मिस हुआ। खराब फील्डिंग, जीवनदान मिला दशरथ जी बालेवा को। दिन का 5वां मुकाबला सिरोही और बाड़मेर के बीच में। और ये 6 रन, दशरथ जी बालेवा धुरंधर बल्लेबाज, शानदार शुरुआत दी है बाड़मेर फाइटर्स को। कल का पहला मुकाबला प्रिंस ब्रिगेड और रॉयल 11 के बीच में होगा, वो मुकाबला करीब 8 बजे शुरू करना है। इस बात का दोनों कप्तान, उनकी कमेटी सब ध्यान रखे। और उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद, और ये कैच छूटा। खराब फील्डिंग टीम सिरोही फाइटर्स की, 2 कैच इस ओवर में छूटे। दिलीप सिंह चारण काफी नाराज अपने प्लेयरों से, लगातार दूसरा कैच छोड़ दिया है। 5 ओवर का ये मैच, पहला ओवर 12 रन, 2 कैच छूटे। अंतिम गेंद लेकर और अपील, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन टीम बाड़मेर फाइटर्स। जल्द से जल्द मुकाबला ये खत्म करे, इसके बाद रोशनी बहुत कम हो जाएगी, आपको खेलने में काफी दिक्कत आ सकती है। एक ओवर की समाप्ति, 12 रन, नए बॉलर्स, बॉलर्स नेम महिपाल जी पेशुआ, महिपाल सिंह चारण। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं, रन आउट हो सकते हैं वहां पर, लेकिन नहीं। अच्छा थ्रो रवि मन्ना कुडू को द्वारा। महिपाल जी अगली गेंद लेकर, दो दो 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बाड़मेर फाइटर्स। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर महिपाल सिंह जी पेश हुआ, और फुल टॉस लेकर खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर, मिस फील्ड, डबल, और रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं। 2 और रन, 16 रन बिना किसी विकेट के टीम बाड़मेर फाइटर्स मजबूत टीम है, और 2019 की विजेता टीम भी है।
एक और घोषणा हुई है राजस्थान से आदरणीय ओकदान जी वल्द्रा द्वारा कि अगर सिरोही फाइटर्स ये टूर्नामेंट जीती है, कप जीतती है, तो 11,000 रुपये का इनाम ओकदान जी वल्द्रा द्वारा, जिन्होंने ये टूर्नामेंट 2015 में जो हुआ था इसका आगाज भी कराया था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली सीजन का जो मुकाबला हुआ था उन्हीं के कोशिशों से ही हुआ था। ओकदान जी वल्द्रा मिसफील्ड हुई, लगातार मिसफील्ड हो रही है। ये 4 रन 20 रन हो चुके हैं बाड़मेर फाइटर्स के। पहला मुकाबला ये जीते थे सिरोही फाइटर्स, हौसले उनके बुलंद। सिरोही फाइटर्स विकेट लेते हैं तो 500 रुपये का इनाम सहस करण जी बारा माटासन के द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही फाइटर्स अगर टूर्नामेंट जीतती है तो ओकदान जी वल्द्रा द्वारा 11,000 रुपये का इनाम। अगली गेंद, फुल टॉस लेकर खेला है, गेंद हमारी तरफ आ रही है, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग राजसा पुनावा की, एक रन पूरा किया, 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टीम बाड़मेर फाइटर्स 2019 की विजेता टीम। इसके स्पॉन्सर मावल कंस्ट्रक्शन आदरणीय रणजीत साहब भुआना, टीम सिरोही फाइटर्स के स्पॉन्सर हरि सिंह जी आशिया वल्द्रा, और ये 6 रन, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, सीधा 6 रन, धमाकेदार शुरुआत टीम बाड़मेर फाइटर्स की। दशरथ जी बालेवा जबर सिंह जी भुआना, हर सिक्स पर 200 रुपये का इनाम, इनामों के बौछार दोनों टीमों पर, कंपटीशन आ गई कि कौन कितना ज्यादा, प्रत्येक विकेट पर 1100 रुपये, सहस्करण जी बारट माटासन, प्रत्येक विकेट पर 200 रुपये, अमित सिंह जी आशिया वल्द्रा, सिक्स पर 200 रुपये रणजीत जी भुआना और जॉनसन जी भुआना। बत्तीस रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर यह तीसरा ओवर प्रकृति पर, धमाकेदार शुरुआत बाड़मेर की। पहला मुकाबला जीता था सिरोही फाइटर्स ने, लेकिन इस मुकाबले में फुल टॉस लेकर खेला है, एक रन पूरा किया, फील्डर मौजूद, एक रन, 33 रन, कोई विकेट नहीं, टीम बाड़मेर फाइटर्स। बहुत ही अच्छी शुरुआत बाड़मेर की। 33 रन, ये तीसरा ओवर, प्रत्येक विकेट पर 500 रुपये का इनाम, हरि सिंह जी आशिया वल्द्रा इस टीम के स्पॉन्सर भी है, और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा। और ये आउट, मुकाबला जारी रखें निरंतर, सभी प्लेयर्स फुर्ती दिखाएं। ये विकेट हेतुदान जी ने लिया है, ये रन आउट है, ये किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। सिरोही फाइटर्स बाड़मेर फाइटर्स मुकाबला जल्दी खत्म करें, रोशनी काफी कम हो चुकी है, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी हेतुदान जी की। अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर हेतुदान जी पुनावा, सामने हिम्मत जी टोकरला, मजबूत शुरुआत दी है बाड़मेर फाइटर्स को, और शानदार स्ट्रोक खेला राजूदान जी पुनावा, मौजूद, फील्ड किया, एक रन, और इस एक रन के साथ तीन ओवर की समाप्ति के बाद
34 रन एक विकेट के नुकसान पर बाड़मेर फाइटर्स। हरि सिंह जी वल्द्रा प्रत्येक विकेट पर 500 रुपया, 200 रुपया अमित सिंह जी आशिया, अमित शाह आशिया ने 7,700 रुपये अभी भी 6 और 4 पे जो पिछले मुकाबले में थे वो श्रेणीदान जी वल्द्रा के हाथ में दे दिए हैं। और इस मैच में भी उन्होंने घोषणा की है अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए, अमित जी आशिया वल्द्रा, हरि सिंह जी आशिया वल्द्रा, हरि सिंह जी आशिया जो कि इस टीम के स्पॉन्सर भी है, उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद, ओ मिस फील्ड। और ये कैच छूटा वहां पर, ये कैच हो सकता था लेकिन 39 रन 39 रन एक विकेट के नुकसान पर ये चौथा ओवर, इसके बाद एक ओवर शेष है, ये 5 ओवर का मैच मुकाबला जारी रखे, जल्द से जल्द ये मुकाबला खत्म करें। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर भरत जी लड़खड़ा के, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन नहीं, एक सिंगल रन, 40 रन एक विकेट के नुकसान पर बाड़मेर फाइटर्स। भरत जी झांखर ये गेंदबाजी कर रहे हैं, 5-5 ओवर का ये मैच, मुकाबला निरंतर जारी रखे बिना टाइम गवाए हुए, टाइम वेस्ट मतलब दोनों टीमों का नुकसान। ऑफ साइड में खेला है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था, उसके पीछे दौड़ रहे फील्डर, तब तक 2 रन पूरे किए, तीसरा रन मिल सकता है लेकिन नहीं, 2 रन, इस 2 रन के साथ 42 रन एक विकेट के नुकसान पर बाड़मेर फाइटर्स। मैं बाड़मेर फाइटर्स के फील्डरों से निवेदन करूंगा कि वो रेडी रहे, बिना टाइम गवाए हुए सीधा मैदान पर उनकी एंट्री होनी चाहिए, और दोनों बल्लेबाज जो खेल रहे हैं उनसे भी निवेदन है। और ये कैच हो सकता है, ये कैच दिलीप जी पुनावा, नए बल्लेबाज दिनेश जी बालेवा, वापसी करती हुई सिरोही फाइटर्स, 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर, गजब की गेंदबाजी भरत जी जांखर के द्वारा, सिरोही फाइटर्स टूर्नामेंट जीतती है तो 11,000 रुपये ओकदान जी वल्द्रा, जो कि मुंबई के एक समाज सेवी सज्जन है, फिलहाल राजस्थान में निवासरत है। बयालीस रन 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं राजू दान जी पुनावा, 42 रन और उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन ठीक से बॉल आई नहीं, फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन पूरा किया, दूसरे लेन के लिए आना चाहते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है और ये आउट, गजब की वापसी सिरोही फाइटर्स की, एक और विकेट बाड़मेर फाइटर्स का, प्रकाश जी तरला, जो भी विकेट लेते हैं उनको इनाम राशि की घोषणा हुई है, वो डायरेक्ट जिन्होंने घोषणा की है उनसे कलेक्ट करे, हालांकि इसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, यूट्यूब लाइव हो रहा है, दिक्कत नहीं है लेकिन ध्यान में रखें। 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर लास्ट ओवर, ये कपिल जी 4 रन बालेवा 15 रन के स्कोर पर, नए बल्लेबाज प्रकाश जी तरला, राजू जी से निवेदन है कि ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करें, बॉलिंग स्टार्ट जारी रखें। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, 43 रन
अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राजू पुनावा सामने कपिल जी बालेवा। ड्राइव, ओ उनके ही नॉन स्ट्राइक पर खड़े प्लेयर ने और एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा आउट। एक और विकेट। नौ रन, कोई रन नहीं होगा। मुकाबला जारी रखे, रोशनी बहुत कम है, खेलना दिक्कत हो सकता है अगली इनिंग्स। अगली गेंद, एम्पायर से निवेदन है जल्द से जल्द मुकाबला खत्म करें, एक और इनिंग अभी बाकी है। अंधेरा करीब करीब होने को आया है, सूर्य अस्त। 8 PM अभी बाकी है और ये वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन, 44 रन, 44 रन, 4 विकेट के नुकसान पर टीम बाड़मेर फाइटर्स। ये अंतिम ओवर पांचवा। कल सुबह बहुत ही शानदार टाइम और ये एम्पायर के इशारे के ब्रिगेड और रॉयल 11 के बीच में मुकाबला होगा 8 बजे और ये उठाकर खेला है ये 6 रन। गजब। हमें से निवेदन है कि वो 8 बजे मुकाबला शुरू करवाए, नहीं तो आज की तरह ओवर कटेंगे अंतिम मुकाबले में। और उठाकर खेला है, सीमा रेखा की तरफ गेंद आ रही है, उसके नीचे फील्डर है और दोनों देखते ही रह गए कि तुम लो। अरविंद जी बालेवा और श्रेणिक दान जी वल्दरा, रणजीत जी पुनावा से निवेदन है कि ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करें, करीब करीब अंधेरा हो चुका है। बाड़मेर फाइटर्स जल्द से जल्द फील्ड से जाए, जीत हार होती रहती है, ये हमारे समाज का स्नेह मिलन समारोह है, इसको समारोह के तौर से ही देखें। जीतने के लिए एक पहाड़ सा लक्ष्य जो कि 5 ओवर में उनको ये प्राप्त करना है। सिरोही फाइटर्स के ओपनर बल्लेबाज अभी भी मैदान पर नहीं आए हैं। श्रेणिक दानजी वल्दरा से निवेदन है कि जल्द से जल्द आपके दोनों ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर भेजे, हरि सिंह जी आसिया और श्रेणिक दानजी वल्दरा। दशरथ जी पुनावा टाइम वेस्ट न करें, एक एक मिनट कीमती है। उनके स्पॉन्सर हरि सिंह जी आसिया वल्दरा, श्रेणिक दानजी वल्दरा, दशरथ जी पुनावा, बलवंत जी आशिया वल्दरा, निवेदन है जल्द से जल्द आपके दोनों बल्लेबाजों को मैदान पर भेजें। अपने पहले बैट्समैन नेम भरत जी झांकर और सामने नॉन स्ट्राइक पर राजू जी पुनावा। राजू और भरत पहली ओवर लेकर आ रहे हैं। हिम्मत जी ठोकर ला, पहली ओवर कौन लेकर आ रहा है? प्रकाश जी तरला, प्रकाश जी तरला। नॉन स्ट्राइक पर राजू, स्ट्राइक पर भरत जी झांकर। पुरानी बॉल वापस जमा करवाए, एम्पायर से निवेदन है, कमिटी से निवेदन है, जो भी पुरानी बॉल है वो कमिटी बॉक्स में जमा करवाए। मुकाबला निरंतर जारी रखे।
बाड़मेर फाइटर से निवेदन है कि जल्द से जल्द ये मुकाबला निरंतर जारी रखे और खत्म करें ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो खेलने में। करीब करीब मैदान पर धीरे धीरे अंधेरा छाता हुआ। अपने ओवर की पहली गेंद लेकर प्रकाश जी तरला, सामने भरत जी झांकर। सिरोही फाइटर्स प्रत्येक बोलते हम फोन अटेंड नहीं कर पाएंगे। प्रकाश जी तल्ला दोनों टीम के प्लेयर्स टाइम वेस्ट करते हुए अभी भी मुकाबला शुरू नहीं हुआ है। प्रकाश दानजी तरला विकेट लेते हैं तो 500 रुपये का इनाम। खेत दानजी साता फिलहाल दादर। रानी दानजी भोणा 100 रुपये। भरत सिंह जी जाखर द्वारा प्रकाश जी तरला के प्रत्येक विकेट पर 500 और 200। खेत दानजी साता और रानी दानजी भोणा हर सिक्स पर। सैंसकरण जी माटासान 500 रुपये। ये मुकाबला जीतने के लिए 61 रन चाहिए। अभी भी 61 रन का लक्ष्य है सिरोही फाइटर्स को। प्रत्येक सिक्स 500 रुपया। सैंसकरण जी भारत माटासन। पांच रन हुए हैं जीतने के लिए। 28 बॉल 56 रन। 28 बॉल पर 56 रन, एक पहाड़ सा लक्ष्य सिरोही के सामने। प्रकाश जी तरला प्रत्येक विकेट पर 700 रुपये। खेत जी साता और रानी दानजी भुआना 500 रुपये। सिक्स पर सैंसकरण जी भारत माटासन। लड़खड़ा गई गेंद, कोई रन नहीं मिला। काफी शानदार बॉलिंग प्रकाश जी तरला की, लेकिन शानदार बॉलिंग नहीं, आपको विकेट भी लेना पड़ेगा तभी आपको 700 रुपये मिलेंगे। अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर स्क्रीन पर केवल 5 रन सिरोही फाइटर्स के। जीतने के लिए 27 पर 56। अगली गेंद और उठाकर खेला है गेंद सीमा रेखा के बाहर। सिरोही फाइटर्स से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी स्ट्राइक ले लें, क्योंकि अंधेरा करीब करीब छा गया है मैदान पर, जिसमें खिलाड़ी को खेलने में काफी दिक्कत आ सकती है। इसी बीच एक और शानदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, चहल कदमी के साथ एक रन पूरा किया। 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर टीम सिरोही फाइटर्स। रोशनी धीरे धीरे कम होती हुई। बाड़मेर फाइटर से निवेदन है कि जल्द से जल्द आपकी फील्डिंग और बॉलिंग होनी चाहिए, और सिरोही फाइटर से निवेदन है कि स्ट्राइक जल्दी से जल्दी लेवें। ये अंतिम गेंद ओवर की, 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर सिरोही फाइटर्स। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। 24 बॉलों में 50 रन की आवश्यकता है सिरोही को। 24 बॉल 50 रन, मुश्किल सा लक्ष्य सिरोही के सामने। मुकाबला जारी रखें, किसी का इंतजार ना करें, हम सब आपको देख रहे हैं। आपने मुकाबला निरंतर जारी रखें। बॉलर्स नेम अरे बॉलिंग बॉलर्स नेम तो बॉलर्स नेम फॉरवर्ड करें। यहाँ डिजिटल स्कोर में काफी प्रॉब्लम आ रही है,
या फिर बाड़मेर फाइटर्स का कोई प्लेयर आ जाओ, कोई आओ नहीं और ये एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, ये कैच छूटा, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा की जाएगी। 6-4 कुछ नहीं, 2 रन, 4, ये 4 रन, कुछ भी नहीं, 11 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान पर सिरोही फाइटर्स। दूसरा ओवर की दूसरी गेंद, मुकाबला निरंतर जारी रखें। अगली गेंद और उठाकर खेला है, कैच हो सकता है वहां पर और ये आउट। भरत सिंह जी झांककर आउट होकर कैवलियर। ₹500 आदरणीय रणजीत जी भोणा द्वारा प्रत्येक विकेट पर ₹500 और प्रत्येक सिक्स पर ₹500 सेसकंड जी माटासन। नए बल्लेबाज नाम चंद्रवाण जी पेशुआ। अगर सिरोही फाइटर्स ट्रॉफी जीतती है तो ₹2100 जीवनदान जी धर्मदान जी वल्द्रा और ₹2100। जय सिंह जी उदयदान जी वल्द्रा ₹2100 सिरोही फाइटर्स ट्रॉफी जीतती है तो। हेलो माइक टेस्ट 1 2 हेलो चेक चेक। ₹500 प्रत्येक विकेट पर रणजीत जी भुआना, ₹500 प्रत्येक सिक्स पर सेसकंड जी माटासन। बहुत ही अच्छी गेंद और रनआउट का खतरा, 1 रन पूरा किया, 12 रन, 20 बॉल में 49 रन की आवश्यकता सिरोही को। हेलो, आज के टूर्नामेंट का ये दिन का आखिरी मैच चल रहा है, इसके बीच में थोड़ा आपसे समय लूंगा। हमने सुबह हमारे आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया था, उसी कड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं भीम सिंह जी वागुंडी, नारायण दान जी नांदिया और अखेदान जी धरनावास, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पे पधारे हैं। इस मैच की समाप्ति के बाद में आप हमारे मेहमान हैं, आपका स्वागत किया जाएगा। माननीय श्री भीम जी वागुंडी, नारायण जी नांदिया और अखेदान जी धरनावास। और ये एक और विकेट सिरोही फाइटर्स का। नए बल्लेबाज रणजीत, बॉलर्स दिनेश दानजी बालेवा। अपने ओवर की अगली गेंद लेकर दिनेश जी बालेवा और उठाकर खेला है, गेंद सीमा रेखा और ये कैच छूट गया वहां पर, 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन शानदार आपकी फील्डिंग, काबिले तारीफ, आपने कीमती रन बचाए, यानी कि 4 रन बचा दिए, जहां 6 था वहां पर केवल 2 रन। राजू और रणजीत, एक ही रन, दिनेश जी बालेवा और फुल टॉस लेकर खेला है, मिस फील्ड और ये मिस फील्ड और ये 4 रन, टीम का स्कोर 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 16 बॉल 43 रन, हर सिक्स पर ₹500 का इनाम। हमारे बीच में रानी दान जी मेरे भी पधारे हैं,
रामदान जी, मैच की समाप्ति के समय उनका भी यहां पर आयोजन समिति के द्वारा स्वागत किया जाएगा। भीम सिंह जी वागुंडी, नारायण जी नांदिया, अखेतन जी धरनावास और रामदान जी मेरेरी, आप मंच पे आ जाएं। उनके स्वागत के लिए नरेंद्र जी धानदा, करणीदान जी धुलिया, सैनीदान जी पाडावी, पृथ्वीदान जी पाडावी, अर्जुनदान जी मिंडावास, भरत पादरडी, बल जी वल्द्रा, भवर सिंह जी ओडवारिया और हरमतदान जी मोरोड़ा, वो आ जाएं मंच पे, मंच के पास आ जाएं। आपके हाथों से इन मेहमानों का स्वागत होगा। तीसरे ओवर की पांचवी गेंद लेकर आएंगे, 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 14 बॉल 38 रन, रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ मैच। प्रत्येक विकेट पर ₹500 और प्रत्येक सिक्स पर ₹500, और उठाकर खेला है, और ये 6 रन। दर्शक दिशा में गेंद, म्यूजिक, 6 रन, शानदार सिक्सर राजू पुनाव के द्वारा, 13 बॉल 32 रन, प्रत्येक सिक्स पर ₹500 और प्रत्येक हमारे बीच पर ₹500। रणजीत जी भवाना से इंग्लैंड दान जी भी पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी मंच पे आ जाएं। आयोजन समिति आपका ये मैच की समाप्ति पर स्वागत करेगी। बहुत शानदार उम्दा कैच यहां पर बाड़मेर फाइटर के फील्डर द्वारा। बलवंत जी वल्द्रा, भंवर जी उडवाड़िया और हरमतदान जी मोरोड़ा, वो भी मंच के पास हाजिर रहे। आठ बॉल पे अट्ठाईस रन और ये सीमा रेखा की तरफ आ रही है गेंद, ठीक से फील्ड नहीं हुई, दूसरे रन के लिए आना चाहते थे लेकिन नहीं, केवल एक रन। 7 बॉल 27 रन, सिरोही फाइटर्स के बल्लेबाज आराम से खेलते हुए 7 बॉल 27 रन, बाड़मेर फाइटर्स मजबूत स्थिति में पहुंचती हुई, और उठाकर खेला है, खिलाड़ी मौजूद और ये आउट, जबरदस्त कैच, काबिले तारीफ। आपके इस विकेट पर ₹500 रणजीत दान जी भोणा की तरफ से, मैच के बाद ले लेना उनकी तरफ से। गजब का कैच, कैच ऑफ द डे। ये एम्पायर से निवेदन है कि 2 मिनट रुके, वो रिप्ले देख रहे हैं, थर्ड एम्पायर। अच्छा, यूट्यूब लाइव पे एक्सीलेंट कैच का रिप्ले दिखाया जा रहा है। नए बल्लेबाज, अंतिम ओवर, हिम्मत सिंह जी टोकरला, नए बल्लेबाज आनंद सिंह जी नरपुरा, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल,
वाइड बॉल एक रन बढ़ाओ 35 रन, 6 बॉल 26 रन, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। बाड़मेर फाइटर्स बहुत ही मजबूत स्थिति में और उठाकर खेला है, शानदार कैच, जबरदस्त कैच ले ले दशरथ जी, और सिरोही फाइटर्स के बल्लेबाज उनकी तरफ भी कैच दे रहे हैं, गजब दशरथ जी बालेवा, नए बल्लेबाज महिपाल सिंह जी पेश हुआ। 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर, बची हुई 5 बॉल में 26 रन, यानी कि सब 6 चाहिए, प्रत्येक बॉल पर छक्के की आवश्यकता। और ऑफ साइड में एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा, चार बॉल पे मैच अपने अंतिम क्षणों में, इसके बाद हम अपने इस कार्यक्रम में मुंबई में और मुंबई बाहर से पधारे हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। श्रीमान भीम सिंह जी वागुंडी, नारायण जी नांदिया, अखेदान जी धरनावास, रामदान जी मेरेरी और इंगलाज जी भवाना, आप सब मंच पे विराजे और उनके स्वागत के लिए नरेंद्र जी धांडदा, करणीदान जी धुलिया, सैणीदान पाडावी, पृथ्वीराज जी पाडावी, अर्जुन जी मिंडावास, भरत पादरडी, बलवंत जी पलद्रा, भंवर जी उडवाड़िया और हनुमतदान जी मोरवड़ा यहाँ पे हाजिर रहे। नए बल्लेबाज दिलीप जी पुनावा, अंतिम गेंद खेलने के लिए महज औपचारिकता बाकी, एक बॉल 23 रन। जेहा विजिबल बाय समोर ये भलिया भलिया जी दाद दबोदाना होते भाई व्हाइट टीम एक आठ और इस बॉल के बाद बाड़मेर फाइटर्स को कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपने दोनों मुकाबले जीत लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी दामा, लगातार पूरे दिन बिना रुके आपने इस मैच का जीवंत प्रसारण के साथ साथ लाइव कमेंट्री भी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। आज के मुख्य मुकाबलों में बाड़मेर फाइटर ने अपने दोनों मुकाबले जीते और सेमीफाइनल में ग्रुप से एक नंबर से प्रवेश किया। सिरोही फाइटर्स अपना एक मुकाबला जीत करके सेमीफाइनल में दूसरे नंबर के रैंक पे प्रवेश कर चुकी है। अभी केवल ग्रुप डी के एक मुकाबले पे पूरा रिजल्ट यहाँ अटका हुआ है जो कल सुबह खेला जाएगा। मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूँ मंच पे आ जाए, उनका स्वागत आयोजन समिति कर रही है। वाकुंडी, नारायण जी नांदिया, अखेदान जी धरनावास, रामदान जी मेहरेरी और इंगलाज जी भवाना मंच पे आ जाए और नरेंद्र जी धांडदा, करणीदान जी धुलिया, सैणीदान और पृथ्वीराज जी पाडावी, अर्जुन जी मेंडावास, भरत पादरडी, बलवंत जी वल्द्रा, भंवर जी उडवाड़िया, हनुमतदान जी मोरवड़ा वो भी मंच पे आ जाए आपके हाथ से। अमरदान जी, भूपदान जी ओगाला, उनकी तरफ से बाड़मेर की टीम का ये मैच जीतने पर 1100 रुपए पुरस्कार के रूप में।